कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के चलते छात्रों का भविष्य खतरे में, छात्रों के आक्रोश के चलते प्रशासन की एंट्री, कहा मदद करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। नईगढ़ी के सोमेश्वर सिंह महाविद्यालय के कर्मचारियों की लापरवाही से सैकड़ों छात्रों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। नईगढ़ी कॉलेज में बच्चों ने जिस विषय का फॉर्म भरा था उनका वह विषय ही गायब हो गया। आइए आपको सुनाते हैं बच्चों ने क्या कुछ कहा। क्या समस्या है? हमारी समस्याएं ये है कि हम लोग सब्जेक्ट आया था भरने के लिए नई शिक्षा के हिसाब से, तो हम लोग सब्जेक्ट फॉर्म में जो सब्जेक्ट भरे हैं उस हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब कंप्यूटर में देखे तो शो नहीं कर रहा था वो सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा था तो हम लोग परेशान हुए और फिर से आवेदन दिए, लेकिन आवेदन के हिसाब से काम नहीं हो रहा और हम लोग के सब्जेक्ट भी नहीं चेंज हुई, तो फिर हम लोग क्या करें? अगले माह परीक्षा है तो उसके लिए क्या करें? परीक्षा के लिए मैं नागेश्वर प्रसाद शर्मा, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं और मैं नईगढ़ी महाविद्यालय में एडमिशन करवाया हूं। मुझे प्रॉब्लम है सर कि मैंने बीएससी में जब एडमिशन करवाया तो फर्स्ट में मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं था। जब सब्जेक्ट डाला जाता था तो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो मैंने क्या किया कि जो भी मुझे पता था तो मैंने डाल दिया था। उसके बाद बीच में विषय परिवर्तन हुआ था, सब्जेक्ट चेंज हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो मैंने जो मतलब फॉर्म में भरा था वो नहीं दिया गया मुझे सब्जेक्ट। अपने हिसाब से ये लोग ने मुझे सब्जेक्ट दे दिया और हम लोग जो सब्जेक्ट न्यू तरीके से डाले हैं वही चीज़ का पढ़ाई किया और तैयारी के सेशनल लिखे, प्रैक्टिकल के सारा कुछ तैयारी किया। अब हम लोग का एक महीने एग्जाम आ गया है, अब हम लोगों ने ऑनलाइन उस फॉर्म में चेक किया तो हम लोग का वही पुराना सब्जेक्ट दिखता है। तो बताइए सर हम लोग क्या करें? और प्राचार्य के पास और जो इसके हेड हैं मतलब प्रवेश बीएससी के प्रवेश आराधना मैडम के पास जाते हैं तो उन्होंने डायरेक्ट एक दूसरे के पास लोग भेजते हैं, हम लोग का कोई भी सही निराकरण नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों की गलत फीडिंग की वजह से ऐसे में छात्र प्राचार्य के पास जा पहुंचे और अपनी समस्या बताई, साथ ही प्रशासनिक अमले से भी गुहार लगाई। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं एसडीएम नईगढ़ी एके द्विवेदी ने क्या कुछ कहा। रोज चल रहा था, आपके आने के बाद क्या निर्णय हुआ? कॉलेज में आने के बाद सभी अपने अपने काम में लग गए हैं, गतिरोध समाप्त हो गया है। आपस में कहीं न कहीं बात समझने की कुछ कमियां थी, वो दोनों लोगों को सुन करके और समझाइश दे दी गई है और बातें सुलझ गई है, सब अपने काम पर लौट गए हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के सर गलत सब्जेक्ट फीड कर दिए गए, वो परेशान है, उसमें भी कोई आश्वासन मिला सर? उसके संबंध में मैंने प्राचार्य से बात किया है और इनको कहा है कि ये विश्वविद्यालय स्वतः संपर्क करके जा करके और बच्चों की समस्याओं का निदान कराएं, इसलिए कि वो बहुत विकट समस्या है कि उनने जिस सब्जेक्ट का अध्ययन किया और जो फॉर्म भरकर दिए थे उसके विपरीत अगर उनका आ रहा है तो समस्या गंभीर है और उसके संबंध में संज्ञान लेकर के यहाँ के प्रिंसिपल जो है वो अपना यूनिवर्सिटी जा करके हल करेंगे। एसडीएम मान रहे हैं कि बच्चों का विषय गलत फीड किया गया है, प्राचार्य की जिम्मेदारी है यूनिवर्सिटी से बात कर बच्चों की समस्या हल करें। प्राचार्य का भी कहना है कि हमने यूनिवर्सिटी को पत्र भेजा है, विश्वविद्यालय जाकर जिम्मेदार लोगों से इस संबंध में बात करके बच्चों की समस्या हल करने का पूरा प्रयास करूंगी। प्राचार्य भी मानती है प्रवेश समिति के प्रभारी के द्वारा कहीं ना कहीं चूक हुई है, हमारा प्रयास रहेगा बच्चों का नुकसान ना हो। प्रभारी प्राचार्य राजवंती दीपांकर से भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। बात ये हुई थी कि हमारी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020, उसमें पहले शुरू में बच्चों ने ये स्वयं नहीं कंफर्म किया कि हमें क्या विषय पढ़ना है। इसमें इन लोगों ने जो भी इन्हें जानकारी हुई हो इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म में भर दिया। उसके बाद शासन की तरफ से सितंबर में पोर्टल ओपन हुआ था कि बच्चे विषय परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लिए विषय परिवर्तन फॉर्म आया था जिसमें बच्चों ने भर के दिया था। हमारे महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय नईगढ़ी में जो प्रवेश समिति है वो बनाई गई है जिसमें बीएससी प्रभारी डॉक्टर आराधना मिश्रा है। जब डॉक्टर आराधना मिश्रा को ये सारी जिम्मेदारी दी गई थी तो मैडम ने ये जो फॉर्म बच्चों ने भरे हैं उस फॉर्म में से एक भी बच्चे का फॉर्म देख करके इन्होंने चेंज नहीं किया, मतलब विषय परिवर्तन नहीं किया, बल्कि जो पुराना इन लोगों ने बच्चों ने शुरू में भर दिया था उसी को लॉक करा दिया गया। अब कॉलेज लेवल पे जब मुझे प्रभार मिला तो मैंने इस चीज़ का पूरा प्रयास किया कि बच्चों की मनपसंद जो भी विषय ये अब चाहते हैं परिवर्तन चाहते हैं ये चेंज हो, लेकिन चूंकि यहाँ से आईडी लॉक हो चुकी है तो ये यूनिवर्सिटी कर सकती है। मैंने इन बच्चों की लिस्ट बना करके दो बार भेजा दी है तो अभी तक यूनिवर्सिटी से ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इन बच्चों का सब्जेक्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, जबकि मैं लगातार दूरभाष के माध्यम से उनसे पूछ रही हूँ कि सर हमें बताइए कि हमारे बच्चों ने जिनकी लिस्ट हमने भेजी थी तो वो सब्जेक्ट परिवर्तन हो गया है कि नहीं हो गया है, नया अलॉटमेंट में उन्हें क्या मिला है।
तो अभी मैं कांटेक्ट कर ही रही हूँ कि सर हमें अभी तुरंत बताएं कि कैसे इनका समस्या का समाधान हो, और इसमें जिसकी जिसने भी लापरवाही की है डॉक्टर आराधना मिश्रा जी ने, जो कि बीएससी प्रवेश समिति की प्रभारी थी, वो लगातार 21 तारीख से आज दिनांक तक धरने में बैठी हुई हैं। सारे बच्चे जाते हैं, परेशान होते हैं और बोलते हैं कि मैडम हमारे साथ ये समस्या हुई है, आप इसको सुनिए, तो वो कुछ भी सुनती नहीं है, सीधे प्राचार्य के पास भेज देती हैं। तो इस तरह से महाविद्यालय में थोड़ा अव्यवस्था है और जो बच्चे हैं वो बीएससी के काफ़ी परेशान हैं। मैडम एक समस्या ये है कि अभी तक ये बच्चे कंफर्म नहीं कर पाए हैं, जूलॉजी के कापी भी लिख चुके हैं, कापी नहीं जमा की जा रही, अगले मार्च इनकी परीक्षाएँ संचालित होने वाली हैं, इनके भविष्य को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? सर अब ये है कि बच्चों ने सब्जेक्ट मांगा था, ये कहीं ना कहीं शुरू में बच्चों ने ही चूज किया था इस सब्जेक्ट को, तो मैं तो यही कहूँगी कि जो इन्हें अलॉटमेंट मिला है उसके अकॉर्डिंग ये परीक्षा को जारी रखें और पढ़ाई को जारी रखें, और हम आज ही इस चीज़ को कंफर्म करके बताएंगे कि बच्चे का सब्जेक्ट परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। शासन ने जब परिवर्तन के लिए समय निर्धारित कर दिया, बच्चों ने फॉर्म भर के दे दिया, तो कमियाँ कहाँ हुई कि इनके साथ इतनी बड़ी चूक हुई? अब कमियां कहीं ना कहीं प्रभारी के माध्यम से हुई है, उस समय प्राचार्य जो थे उन्होंने भी इस चीज को संज्ञान में नहीं लिया, मैंने तो इस बारे में बात भी की। छात्रों का मामला हो, राजनीति करने का मौका हो और नेताओं की एंट्री ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कांग्रेस के जिम्मेदार साफ तौर से कह रहे हैं। 15 मार्च तक महाविद्यालय प्रबंधन ने अपनी गलती नहीं सुधारी तो कॉलेज परिसर के बाहर टेंट लग जाएगा। हम छात्रों के हित की लड़ाई पूरी जिम्मेदारी से लड़ेंगे या उनके भविष्य का सवाल है। हम चाहते हैं महाविद्यालय प्रबंधन छात्र हित में काम करे और उससे जो गलतियां हुई है उसको तत्काल सुधरवाने का प्रयास करें। बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश पटेल सीधे छात्रों की लड़ाई सड़क पर लड़ने की बात कह रहे हैं। आपका शुभ नाम? अखिलेश पटेल। किस दायित्व में आप? मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नई गढ़ी का अध्यक्ष हूं। बच्चों के सामने कुछ विषय परिवर्तन को लेकर जो समस्याएँ हैं उसमें क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के जो विषय परिवर्तन है उनको, उन्होंने जो भरा था उनको अब ज़बरदस्ती दूसरा सब्जेक्ट दिया जा रहा है। अब वो तैयारी तो 3 महीने से जो सब्जेक्ट डाले थे उसकी कर रहे हैं, अब ज़बरदस्ती में दूसरा सब्जेक्ट दिया जा रहा है। अगर 1 हफ्ते के अंदर उसका सुधार नहीं किया जाता तो जो उस सब्जेक्ट का प्रभारी होगा उनके खिलाफ हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आपसे कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद, मतलब 15 तारीख तक मान के चलिए कि समय दे रहे हैं, 15 के बाद हम लोग अनशन बैठेंगे उनके खिलाफ। अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ तब अगर सुधार कर लिया जाता है तो ठीक है। नयगढ़ी कॉलेज के जन भागीदारी समिति के सदस्य सुमन सिंह पटेल भी विद्यालय प्रबंधन की गलती मान रहे हैं। वह भी चाहते हैं छात्रों का भविष्य ना खराब हो, छात्रों के हित में कॉलेज प्रबंधन विश्वविद्यालय से मिलकर गलती को सुधार ले। सुमन सिंह, पता चले कि आप जन भागीदारी में भी हैं, बच्चों के पास कुछ समस्याएं आई हैं उसमें? जी, मैं जन भागीदारी समिति का सदस्य हूं और बच्चों के विषय संबंधित कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं कि बच्चों का जो मूल विषय था उससे हटकर उनका विषय आ गया है, तो यह या वो मूल जो उसका उस विभाग का जिसने फीडिंग किया है, जिनकी गलती है, वो सुधरवाएं जाके यूनिवर्सिटी या उनके खिलाफ कार्रवाई, यह जिम्मेदारी संबंधित विभाग के जो जिम्मेदार हैं उनकी है, वो चाहे सुधरवाएं या कॉलेज प्रमुख उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस खबर को देखने के बाद, जिम्मेदारों की बातचीत सुनने के बाद साफ तौर से माना जा सकता है कि गलती महाविद्यालय प्रबंधन की खामियाजा भोग रहे बच्चे, जिनको केवल पढ़ाई करनी चाहिए, अब वह महाविद्यालय प्रबंधन नेताओं के आगे पीछे टहल रहे हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वंदे भारत।